Hello my dear students, hope you all are fine. Now we are starting our next chapter, that is chapter number 8, cell structure and functions. Before starting the same chapter, let us introduce this part with our surrounding. As we observe a lot of variety of organism in our surrounding, चाहे वो variety जो है वो plant की हो चाहे वो animal की हो, we observe a lot of variety, a lot of plants, a lot of animals and human beings in our surrounding. अब सभी living organism जो हम अपनी surrounding में observe करते हैं, इनकी शेप और साइज़ एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है. अब शेप और साइज़ डिफरेंट है, बट इनमें जो एक मेन सिमिलैरिटी है वो क्या है कि ये सभी के सभी किससे मिलकर बने होते हैं, ये सभी के सभी मिलकर बने होते हैं सेल्स. सो यही सेल्स ही होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है. बट वो चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की. इन सेल्स की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने इन 1665. उन्होंने अपने पुराने जो एंशिएंट माइक्रोस्कोप थे उनकी हेल्प से क्या किया था, जो हमारा प्लांट होता है, ट्री होता है, ट्री की जो बाक होती है, छाल होती है, उसका जो कोर्क होता है उसका यूज़ किया और उसको अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या किया, ऑब्ज़र्व किया. और जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि उस कॉर्क के अंदर छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने हुए, छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं और उन्होंने इन्हीं रूम्स को क्या नेम दिया, सेल्स नेम दिया. अब उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने क्या बताया कि जो कॉर्क है उसमें क्या है, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है. हालांकि वो जो कॉर्क था दैट वाज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट. इसी वजह से क्या हुआ कि जो सेल था वो अंदर से क्या मिला, वो खाली मिला. दैट मीन्स जो डेड प्लांट सेल था कोका विच वॉज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वर फाउंड टू बी एम्प्टी. अब जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था वो बहुत पुराना था, बट जैसे जैसे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई, बेटर मैग्नीफाइंग पावर वाले माइक्रोस्कोप बने, तब साइंटिस्ट ने लिविंग प्लांट्स को भी क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया. और जैसे कोर्क को जज किया गया था, कोक को इन्वेस्टिगेट किया गया था, वैसे ही जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया और क्या चीज़ देखी गई कि उनमें भी क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो कोर्क की तरह खाली नहीं होता, उनमें भी छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखे गए. 1838 के अंदर जो जर्मन साइंटिस्ट हैं श्लाइडन, उन्होंने क्या बताया कि जो सभी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. उसके एक साल के बाद जो दूसरे जर्मन साइंटिस्ट थे श्वेन, उन्होंने क्या बताया कि जो सभी एनिमल्स होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं. और इसी ऑब्जर्वेशन से जो हमारी सेल थ्योरी है ऑर्गेनिजम्स की वो डेवलप हुई. और सेल्स थ्योरी ने क्या बताया कि जो सेल होता है वो क्या होता है, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी सेल थ्योरी के और मेन पॉइंट्स क्या क्या थे कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ये जो सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीजन. इसी के साथ साथ सेल्स जो है दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म. द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स सेल्स. ये सभी पॉइंट क्या थे, हमारे सेल थ्योरी के थे, जो किसने डिस्कवर की थी, जो किसने दी थी, स्लाइडन एंड श्वेन. सो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं. जैसे हमारा घर ब्रिक से मिलकर बनता है, ईंटों से बनता है, उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है. हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. और इवन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं.
सो सेल क्या हुई, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हुई लाइफ की, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। हालांकि इनका साइज इतना छोटा होता है दैट ये जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी कैन ओनली सी दम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जो आपकी बुक के अंदर भी डायाग्राम दिए गए हैं, ये डायाग्राम भी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड किए गए हैं, मैग्नीफिकेशन के साथ आपको क्या किए गए हैं दिखाए गए हैं। अब सभी जो लिविंग सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। जनरली हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब इन दोनों सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती हैं, बट अभी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम एक सेल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो बेसिक सेल पार्ट्स होते हैं जो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसी के साथ साथ हम सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ द आउटर लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल, जो क्या करता है, हमारे सेल के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है और सेल को क्या देता है, शेप देता है। समटाइम हम इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मेलमा भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स अ डेमक्रीशन बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारा, दैट इज़ यूजली मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये बहुत ही थिन, डेलिकेट, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कैसे, क्योंकि ये अपने अंदर से सब्सटेंस को आने भी देती है और जाने भी देती है। सो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है, मतलब मटेरियल्स का आना और जाना उनको रेगुलेट करती है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये हमारे सेल को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। यही सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखती है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको फिर से याद रखो, दैट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अब बात करते हैं सेकंड मेन पार्ट की, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब जो साइटोप्लाज्म है ये एक तरीके से जली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सभी के सभी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो क्या होता है, लिविंग बनता है। तो ओवरऑल हम क्या बोलते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री, जिसमें क्या हो रही हैं, सभी की सभी हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और जो ऑर्गेनेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स हैं, इसके ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हालांकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।